हाय एवरीवन, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो विच स्टेट इज होस्टिंग द 3 डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन CANSO कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1st to 3rd नवंबर 2022? कौन सा राज्य 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन CANSO सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड गुजरात। तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन कौन है? वो है विजय कुमार सिंह। एंड जो ये सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज 3 दिन का ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फ्रेंस, इसके लिए थीम रखा गया था थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल एकॉम्पोलिश लोकल। थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल एकॉम्पोलिश लोकल। नेक्स्ट है, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन सुपर 750 इन बैडमिंटन? फ्रेंच ओपन सुपर 750 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है चिराग सेठी, विक्टर एक्सेलसन, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसन। मेंस डबल में जो टाइटल मिला है वो मिला है सात्विक सई राज, रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इमैनुअल मैक्रोन, जेयर बोल्सोनारो, लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा, स्टेफन लोफवेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट है, हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल? कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला? ऑप्शंस डॉक्टर अनिल कुमार जैन, श्री अमृतलाल मीना, श्री अमृतलाल सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अमृतलाल मीना। श्री अमृतलाल मीना ये 1989 बैच के बिहार कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड स्पेशल कैंपेन 2.0 फ्रॉम 2nd to 31st October 2022? किस मंत्रालय ने 2 से 21 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक आयोजन किया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है, हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑन नवंबर 1, 2022? 1 नवंबर 2022 को रक्षा सचिव का पद भाई किसने ग्रहण किया? रक्षा सचिव। ऑप्शन से आईएएस गिरिधर आरामने, आईएएस नरेश कुमार, आईपीएस वीरेश कुमार, आईपीएस वीरेश मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आईएएस गिरिधर आरामने।
नेक्स्ट है द फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ऑप्शंस आर बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, ग्वालियर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है एंड इसे इनॉग्रेट किया गया था 29 अक्टूबर 2022 को। इन विच स्टेट पुष्कर मेला इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 to 8 नवंबर 2022। किस राज्य में 1 से 8 नवंबर 2022 तक पुष्कर मेला का आयोजन होने जा रहा है? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ का है? ये राजस्थान का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हु विल इनॉग्रेट 3024 न्यूली कंस्ट्रक्टेड EWS फ्लैट्स इन कालकाजी इन दिल्ली अंडर इन सेतु स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इन सेतु स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत दिल्ली के कालकाजी में 3024 नवनिर्मित EWS फ्लैटों का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शंस आर पीएम मोदी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, अरविंद केजरीवाल। तो ये उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। नेक्स्ट है एंड ये आज का लास्ट है। मोरबी ब्रिज जो कि कोलैप्स हो गया, गिर गया, ये किस स्टेट में था? मोरबी पुल ध्वस्त किस राज्य से संबंधित है? ये था गुजरात में। ऑप्शंस आर केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अभी न्यूज़ में चल रहे हैं एंड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में करंट अफेयर आता है, उन लोगों को भी ये चैनल शेयर करें। थैंक यू।